और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं चाहूंगा कि प्रेस वार्ता की शुरुआत वक्ता गण करें। नमस्कार, जोहार आप सबों के सामने। आज हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के विषय को लेकर के उपस्थित हैं और जिस तरह से आप सब जानते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार यात्रा कर देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास शुरू किया है और जिस तरह का जन सैलाब उनके साथ उमड़ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जो भारत जोड़ने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। 700 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी कर ली है। प्रदेश के कई जिलों में, कई प्रखंडों में भारत जोड़ो यात्रा उपयात्रा चल रही है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 10 तारीख से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलिहातू से और हर जिले में इसी तरह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एक रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। उस निमित्त हम लोग लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी झारखंड के शहीद हैं, जो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जन्मस्थली से लेकर उनके समाधि स्थल तक हम लोग पदयात्रा करेंगे और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उनसे लगातार संवाद करेंगे। उस निमित्त आज हम लोग आपके माध्यम से पूरे राज्य के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके साथ चलेंगे और जिस तरह की के हालात देश में बने हुए हैं उसको एक सद्भाव के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे और उस निमित्त हम लोग 10 तारीख से जो पदयात्रा करेंगे उसके बारे में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी आपको विस्तृत में बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग आज एक जो भारत जोड़ो को लेकर के बनाया गया है ऑडियो वीडियो उसको लॉन्च करेंगे। तो मैं अब आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी से आग्रह करूंगा। आप ही शुरू कर दीजिए, लॉन्च आप ही कर दीजिए। साथियों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया, यात्रा की शुरुआत और ये यात्रा सारे हमारे मंत्री, विधायक और प्रदेश के जो नेता हैं राज्य स्तरीय, ये सब लोग मिल करके हर जिले में 25 दिन, हम जो संगठनात्मक जिला है हमारा 25 है, उन 25 दिन में हम पूरा करेंगे और ये कोशिश रहेगा कि 31 दिसंबर के अंदर हम इसको पूरा करें। वैसे राहुल गांधी की यात्रा तो 15 फरवरी तक संभावित है, लेकिन हम अपने झारखंड में और इसके साथ साथ जो पैरेलल यात्रा चलेगी वो है 81 विधानसभाओं में, 81 विधानसभाओं के हर पंचायत में, पंचायती में हमारा पदयात्रा शुरू होगा। विधानसभा यूनिट रखा है लेकिन पंचायत में होगा, हर पंचायत के हर टोला हर गांव को हम टच करेंगे। एवरेज माना जाता है कि 15 से 20 पंचायत का एक ब्लॉक होता है, तो ये 260 या 62 शायद ब्लॉक है हमारे, 19 हम लोगों का संगठित संगठनात्मक जितना है हम लोगों का ब्लॉक, तो इसमें हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे अगले 2 महीने 2.5 महीने में, अक्टूबर 10 से लेके 31 दिसंबर तक। ये एक सघन प्रयास होगा
इससे एक संपर्क, समन्वय और संघर्ष तीनों का स्वरूप लेकर के हम करेंगे। संघर्ष इसलिए कि आप जानते हैं कि पदयात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो मूलतः देश के आर्थिक सामाजिक सवाल को लेकर कर रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, सवाल सामाजिक समरसता के खिलाफ नफरत का जो एजेंडा है भाजपा सरकार का उसके खिलाफ, किसानों के अधिकार के हक में और संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के संविधान का जो प्रियम्बल है उसकी रक्षा के लिए हम लोग अपने आप को इस यात्रा का मूल मंत्र लेकर चल रहे हैं। इसी में महिलाओं के अधिकार का भी बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है। इसी के साथ साथ झारखंड में जहां जो समस्या होगा, एक तरफ अगर सरकार आपके द्वार जा रही है तो इस यात्रा के माध्यम से हम भी उनके चौखट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर चौखट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमने इसीलिए टारगेट दिया है कि एक पंचायत को हम दो दिन में पूरा करेंगे, एक पंचायत को दो दिन में, गोया कि हर गांव और टोला हम कवर करेंगे। इससे 81 विधानसभा के 262 यात्रा एक साथ चलेगा, एक साथ चलता रहेगा, जो दो महीने में पूरा करेगा अपना क्षेत्र का इलाका। ये एक संकल्प लेकर के हम लोग ये काम कर रहे हैं। राजनीति तो झारखंड में बहुत हो चुका, विध्वंस भी बहुत हो चुका। हमारा प्रयास है कि हम ये रचना और समन्वय जो राहुल गांधी का मूल उद्देश्य है, राहुल गांधी की यात्रा को जिस नजर से भी जो देखना चाहते हैं देखें, लेकिन अगर 700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके और जो सामने आपको आ रहा है, जो भी तस्वीरें कि सारा समाज का जात बिरादी धर्म रिश्ता सब टूट करके एक सैलाब में परिवर्तित हो गया है, ये अपने आप में अद्भुत है साथियों, ये अद्भुत है। गांधी का डंडी बार और जो है भूदान का यात्रा हमारा, वो चंद्रशेखर ने भी यात्रा किया था पूरे भारत का, लेकिन ये यात्रा में जो सैलाब देखने को मिल रहा है, शायद मैं समझता हूं कि भाजपा की बेचैनी का मुख्य कारण वही है। लेकिन हम उसी के साथ, क्योंकि राहुल जी की यात्रा झारखंड में नहीं आ रही है, बिहार में नहीं जा रहा है, तो हम उन राज्यों में भी ये यात्रा अपने तरीके से चल रहा है। और ये भी एक मामूली नहीं होगा प्रयास, एक कितने कार्यकर्ता, कितने हमारी जनता अगर जुटेगी एक साथ, 262 यात्राएं एक साथ चलेगी पूरे राज्य में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ भी एक बढ़ते बढ़ते ये भी कारवां जो है वो सैलाब में परिवर्तित होगा, जो हम देख रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।